डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के कांजियुलर और रामनगरी इलाकों में जनसभा का आयोजन किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद हकीम के नेतृत्व में आयोजित हुए कार्यक्रमों में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए जावेद हकीम ने कहा, गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जम्मू कश्मीर के विकास और प्रदेश में शांति स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हम पब्लिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें प्रशासन के समक्ष रखकर उन्हें हल करने का प्रयास कर रहे हैं। बरसगीर की नुमाया शख्सियत और हम सब गरीबों का रहनुमा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के ऑनरेबल चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की हदायत पर हम इस वक्त पूरे जम्मू और कश्मीर में डोर टू डोर ये कंपेन चला रहे हैं कि जिस इस वक्त हमारा जो जम्मू कश्मीर का गरीब आवाम है ये उस दलदल का शिकार है, जिस दलदल में निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर है हमारे पास कोई रास्ता वो है सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब की जात और उसके जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का जो मंशूर है उसमें पहले नंबर पर बेरोजगारी का खात्मा जो हमने उसमें रखा है और जो दफा 370 में 35A था और उसके तहफ़ के लिए चाहे ज़मीनों का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहाल होना चाहिए। और आने वाले वक्त में जो एक तो ये जो ऑनसेट इस वक्त जनरेशन है एक ये, और आने वाली जनरेशन के लिए जो बेरोजगारी के खात्मे के जो मसाए उस बेरोजगारी का खात्मा होना चाहिए और रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मुहैया होने के लिए हमें सिर्फ एक रास्ता है, वो है सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब पर। हमें एक डिमांड आई है कि केरोसिन ऑयल यहाँ पर गायब है, उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि जो यहाँ पर राशन है, राशन की बहुत यहाँ पर शिकायत आई है, जहाँ भी गलत कार्ड के बारे में, या अगर चार फैमिली मेंबर थे दो ही कार्ड पर है, दो नहीं है, उसको एंटर करने के लिए